solve this. Now let us move into division part. In division part also the rule remains the same. Sirf वहाँ पर multiply multiply हम लोग निकाल देंगे rules में से. Reason में से नहीं हाँ rules में से. So let us begin. Now you have 49 divided by 7. जब आप divided by 7 बोलते हो ना बच्चा, तो by जिस नंबर के साथ होता है ना उसका table बोला जाता है. That means by 7 यानी कि 7 के table में आपको 49 ढूंढना है. So you can ask yourself, क्या 7 के table में 49 आता है? Of course yes आता है. That is 7 sevens are 49. अब यहाँ पर rule कौन सा लगेगा? When both the numbers are positive, put plus sign and then divide. Multiply नहीं करेंगे. The reason plus multiply by plus or plus divided by plus will give you an answer positive. Fine. We move on to the next. अब यहाँ पर बच्चों ये fraction के रूप में हैं. Where negative 49 is your numerator and 7 is your denominator. So, डरने की बात नहीं है. डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है हम उसी का टेबल बोलते हैं. और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना बेटा, जब कभी भी प्राइम नंबर आता है. यू नो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? द नंबर्स विच कम ओनली इन टू टेबल. फर्स्ट वन का टेबल एंड सेकंड इन सेवन. लाइक नंबर टू, वन के टेबल में वन टू सा, टू के टेबल में टू वन सा. Do you know any other table that is third table जिसमें two आता हो? Three, one three जा, three one जा. Five जा, five one जा. Seven जा, seven one जा. So like this way, जब आप देखते हो कि the particular number has only two factors, one and itself, तो उसे कहा जाता है prime number. और इस बात को बेटा गांठ बांध के रखो. जब कभी भी प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में होता है ना, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी का टेबल सोचना है और कुछ नहीं करना. सो राइट नाउ एज वी मूव 7, तो 7 के टेबल में 7 कब आता है? 7 वंस. और 7 के टेबल में 49 कब आता है? 7 सेवंस. सो योर करेक्ट आंसर इज नेगेटिव 7. नेक्स्ट, आपको याद होगा वीडियो नंबर 1 में मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा था, वी नेवर पुट और अप्लाई नेगेटिव साइन इन द डिनोमिनेटर. हमारे पास नेगेटिव 7 का कोई टेबल नहीं है. वी हैव टेबल ऑफ 7 1 7 7 2 14 एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. आपने आज तक कभी भी पढ़ा नेगेटिव 7 1 जा नेगेटिव 7 नेगेटिव 7 2 जा नेगेटिव 14? नो. मैथ्स में यस हम थोड़ा सा तोड़ बोड़ कर सकते हैं, बट टेबल्स के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे. सो राइट नाउ द फर्स्ट थिंग इज आप इस माइनस साइन को पहले लगा देंगे. व्हाई सर? सिंपल रूल नंबर 3 को याद करो. व्हेन वन नंबर इज पॉजिटिव अनदर नंबर इज नेगेटिव, पुट माइनस साइन. पहले आपको माइनस साइन लगा देनी है एंड देन डिवाइड. तो वंस अगेन द कंसेप्ट इज 7 1s are 7, 7 7s are 49. So the correct answer is negative 7. And negative 7, that is a negative number, is always written in bracket. Very good. Next, अब आप देख सकते हो बेटा, both the numbers are negative. Numerator है negative 64 and denominator है negative 68. At that time, simple. अप माइनस साइन, डाउन माइनस साइन, कट कट. और क्या बच गया? 8 एंड 64. सो 8 वंस आर 8 इज 64. सो द करेक्ट आंसर इज 64 डिवाइडेड बाय 8 गिव्स यू आंसर 8. अब क्वेश्चन आएगा कि सर आपने इसमें साइन काट दी. यस बच्चा, आपको 6th में सिखाया गया था जब यूनिट प्लेस में न्यूमरेटर में जीरो होता है एंड यूनिट प्लेस डिनोमिनेटर में जीरो होता है, तो अप जीरो डाउन जीरो कट कट परसेंटेज में सीखा था, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट में सीखा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सीखा था.
In the same way, यहाँ पर भी up minus sign, down minus sign, cut cut, 8 ones are 8, 8s are 64. वापस से, which sign is there in the denominator? Negative. Very good. तो आप सबसे पहले तो rule number 3, when one number is positive, another is negative, put minus sign, and then 8 ones are 8, 8 is up. So the correct answer is -8. Next, 169 upon -13. अब बच्चों अभी तक समझ में आ गया होगा कि आप डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रख सकते. तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पुट माइनस साइन. और अब 13. आपको याद होगा इसी वीडियो में मैंने बताया कि व्हेनेवर यू गेट एनी प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, 113 इज अ 13 ones are. क्या आप मुझे थर्ड टेबल बता सकते हो जिसमें 13 आता हो? नहीं आता. सो द सिंपल लॉजिक इज हम 13 का टेबल बोलेंगे और हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज 13 ones are 13 13s are. 13 मल्टीप्लाई बाय 13 विल गिव यू 169. आप रफ फॉर्म में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं. And negative numbers are written in bracket. Next है आपके पास negative 19 upon 57. I'm sorry, 57 upon negative 19. मैंने actually जान बूझ के गलती की. मुझे ये टेस्ट करना था कि आप लोग रीड कैसे करते हो. बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं सर I got 10 out of 8. उनको 10 मार्क मिला जब टेस्ट खाली 8 मार्क का था. ऐसा होता है क्या कभी? नहीं था. इसीलिए हमेशा पहले न्यूमरेटर रीड करो एंड देन डिनोमिनेटर. सो हाउ टू रीड इट? 57 अपॉन नेगेटिव 19. वंस अगेन आप माइनस साइन लगा दोगे एंड यू नो नेगेटिव 19. 19 इज अ प्राइम नंबर. 119 इज अ 19 वंस. आगे और कोई टेबल नहीं है जिसमें 19 आपको मिलेगा. सो सिंपल 19 वंस 19, 3s are 57. So the correct answer is negative 3. And the last and the concluding example is negative 121 upon negative 11. वापस से याद करो example number 11 को. Up minus sign, down minus sign, cut, cut. Very good. और फिर 11, 11 is a prime number. 1, 11 is a 11, 1 is a. तो आगे कुछ सोचना ही नहीं है. सीधा 11 का टेबल बोलेंगे. And that is 11, 1 is a 11, 11 is a. So the correct answer is 11. By this class, आप लोगों ने मेरे साथ 15 examples solve किए. 3 rules with 4 reasons को revise किया. And your chapter multiplication and division of integers यहीं पर खत्म हो जाता है. अब आपको लाइफ में कभी भी कहीं पर भी कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करना हो डिवाइड करना हो तो घबराना नहीं है. सिर्फ 3 रूल्स और 4 रीजंस को दिमाग में रखिए एंड स्मूथ सेलिंग बोर्ड जैसा आपका सम्स या आपके इक्वेशंस या आपके आगे की पढ़ाई हो जाएगी. Till then, thank you and take care of yourself. Good bye.